अस्पताल में इलाज के लिए आए गरीब मरीजों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध हों और दवाओं के अभाव में उन्हें दम ना तोड़ना पड़े, इसको लेकर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की। इन जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90 फीसदी के डिस्काउंट पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उदयपुर वासियों का कहना है कि मेडिकल स्टोर के मुकाबले इन केंद्रों पर उन्हें सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल रही हैं। मेडिसिन का प्राइस जो है मार्केट जैसे 80-90% सस्ता मिलता है, मोस्टली मेडिसिन 80-90% ही मिल जाता है लेस। क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मार्केट रेट है उससे 15-90% यहाँ रेटें कम है, तो इसका प्रचार नहीं होने के कारण लोगों को जो बहुत अधिक दाम पर परचेज करना पड़ रहा है वो उनको यहाँ एक सस्ती मिलेगी। और यहाँ पर मैंने स्टॉक देखा तो स्टॉक की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, यहाँ स्टॉक को बढ़ाना चाहिए। उदयपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार की ओर से किया जाता है, जिसे अब महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। सरकार की ओर से 900 से अधिक मेडिसिन चयनित की गई है। फिलहाल उदयपुर केंद्र पर करीब 550 दवाइयां उपलब्ध हैं। 550 से ज्यादा मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है, जो डायबिटीज के लिए और क्या नाम है बीपी के लिए और कुछ कैंसर की जो दवाइयां हैं वो भी हम उपलब्ध करवाने के लिए हमने अभी बात की है, तो वो जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। बहरहाल ये योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो पैसों की कमी के चलते अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। अगर इन केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकेंगे। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।